वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपका मेज़बान जाफर फरीद। इस वक्त हम बनी असम्बली हल्के के लुआंग इलाके के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो जोक दर जोक पोलिंग स्टेशन पहुँचकर अपने वोट डाल रहे हैं। बात अगर पूरे जम्मू कश्मीर की करें तो यहाँ पर वोट जो है वो यहाँ पर जो इंतखाबात हैं वो तीन मरहलों में हो रहे हैं। आज तीसरे मरहले यानी आखिरी मरहले के इंतखाबात हो रहे हैं जिसमें लोग जो है वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। वोट चूँकि जमहूरी आइनी और सियासी हक है और उस हक को आज जो लोग हैं वो अदा कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, इनकी उम्र लगभग 100 साल से ऊपर है। इनसे बातचीत कर, इनकी उम्र जो है वो 101 साल है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस उम्र में वोट डालकर कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं और किस नीयत से जो है वो आज अपना वोट डाला है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, आज आपने 101 साल की उम्र में आज अपना वोट डाला है, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, क्या एहसास? बहुत खुशी की, अपना हक है, खुद राजनीति का अपना हिस्सा है, इसको लेना है जी। हाँ, किस नियत से वोट डाला है, क्या इरादा है? अमन और चैन सुकून के लिए जी। जी, इलाके की तरक्की, इलाके की तरक्की और बहबूदी के लिए जी। जी, इसके अलावा? इसके अलावा हमारा जो है ना दुख सुख वो देखा है इन्होंने, नेताओं ने देखना है, ये जो है ना ये ST दर्जा दिया जाए जी। जी आई, क्योंकि ये बड़ा बैकवर्ड इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई सोर्स नहीं है। यानी आज आपने तरक्की इलाके की फलाह बहबूदी के लिए जो है वो आज आपने अपना वोट कास्ट किया है। जी सर, जी सर। लुआंग के इलाके से एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम जी रतन दास है। आज आपने अपना वोट कास्ट किया है, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस। किस नियत से, किस इरादे से आज अपना वोट आपने कास्ट किया? हमारा इरादा है कि कोई हमारे डेवलपमेंट करेगा जी, कोई हमारे इधर अच्छा, हमारी बेरोजगारी जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, कोई इनको रोजगार मिलेगा जी। पढ़े लिखे बच्चे जो है नौजवान दरबदर हैं जी, लाखों की तादाद में, कोई सरकार बनेगी, अच्छी सरकार बनेगी, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा और हमारी डेवलपमेंट इधर होगी कुछ, क्योंकि 10-12 साल की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो दिया हमने वोट, देखो आगे क्या होगा, ऊपर वाला जानता है बेहतर। अब क्या